वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी नियमों को तोड़ दिया और बिना किसी जान पहचान के ऊंचा उठते गए। वे कभी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन देश के सभी दलों ने, हर राजनेता ने और देश के हर इंसान ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि वे स्वाभाविक रूप से उस उच्च पद पर पहुंच गए। बस उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें विभिन्न पदों पर पहुंचाया। शायद इससे पहले कभी कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसके कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहे हों, नहीं किसी तरह की राजनीतिक पार्टी के समर्थन के बिना कभी कोई व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति नहीं बना है। बस अपनी विशुद्ध ईमानदारी और उत्साह से, जिस तरह से वे वैज्ञानिक समुदाय में ऊंचे उठे, लोग उन्हें अनदेखा नहीं कर सके और वो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति बनने के उस मुकाम पर पहुंच गए। और वे इतने अनोखे व्यक्ति थे कि इस देश के राष्ट्रपति के पद पर होते हुए भी बड़ी सरलता से उपलब्ध थे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कोई भी जो देश का प्रमुख होते हुए भी इतनी आसानी से उपलब्ध था। ये एक बहुत गरीब परिवार के लड़के की कहानी है जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था। अपनी साधारण आकांक्षाओं और अपने जीवन में कहीं पहुंचने की अपनी ललक और इच्छा के साथ उसने खुद को शिक्षित किया। धीरे धीरे स्वयं को सबसे प्रमुख वैमानिकी इंजीनियरों में से एक बनाया और न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक बन गया और फिर वो इस देश का राष्ट्रपति बना। वो एक अविश्वसनीय इंसान है। उनके कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। वे कभी राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन देश के सभी राजनीतिक दलों ने, हर राजनेता ने और देश के हर इंसान ने उनको इतना सम्मान दिया कि वे स्वाभाविक रूप से उस उच्च पद पर पहुंच गए। बस आपको ये बताने के लिए कि कितनी सादगी से वो अपना जीवन जीते हैं। उनका पिछली बार जब मैं लेबनान से आ रहा था, मैं बेरूत से लौट रहा था और मैं दुबई एयरपोर्ट पर लगभग कुछ घंटे ठहरा, 5 घंटे या वैसा कुछ, और मैं स्थानीय न्यूज़पेपरों को पढ़ रहा था। एक खबर छपी थी, एक बॉक्स में रिपोर्ट थी कि भारतीय राष्ट्रपति ने एक सुरक्षा कर्मी से बात की, ऐसी कुछ रिपोर्ट। मुझे दिलचस्पी हुई, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। हुआ ये था कि जिस होटल में वे ठहरे थे, दुबई का कोई बड़ा होटल, जब वे अंदर प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने एक सुरक्षा कर्मी को देखा और उसे पहचान लिया और तमिल में बोले, अरे वेल स्वामी, कैसे हो, यहां क्या कर रहे हो। इस सुरक्षा कर्मी ने लगभग 30 साल पहले बहुत थोड़े समय के लिए उनके लिए ड्राइवर के रूप में काम किया था। उन्हें वो आदमी याद था और वो वहीं पर उसके पास गए और उससे बात की। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा कि तुम बाद में, मुझे अभी कुछ काम है, रात में जब मैं 10 बजे लौटूं तो तुम मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो पेपर में सुरक्षा कर्मी के साथ वो इंटरव्यू छपा था। उस शख्स ने पत्रकार के साथ साझा करते हुए बताया कि कैसे राष्ट्रपति आए और उससे बात की और उसे अपने कमरे में आमंत्रित किया, लेकिन उसे लगा कि उसके लिए वहां जाना उचित नहीं होगा। और वे उस तरह के व्यक्ति हैं, एक बेहद सरल इंसान जो बगैर किसी बड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना लिए जीवन में अपना मार्ग बनाते हैं, किसी महान महत्वाकांक्षा से संचालित इंसान की तरह नहीं। लोगों के लिए कुछ करने की सरल इच्छा रखना और खुद को बस एक ग्रामीण लड़के से देश के राष्ट्रपति तक आगे बढ़ने देना। This is just a simple story of what a human being can do to himself and to people around him. With very simple means, with no great means at his hands.
ये एक साधारण सी कहानी है जो बताती है कि एक इंसान बेहद साधारण साधनों के साथ खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए क्या कर सकता है, जबकि उसके हाथों में कोई महान साधन न हो। कई मायनों में, खासकर भारतीय ग्रामीण छात्रों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक और दूसरे सांस्कृतिक बंधनों में जीते हैं, उनके लिए अपने गांव से आगे सोचना जबरदस्त फायदे जैसा है। यह ऐसी चीज है जो देश के बाहर से आने वाले लोग नहीं समझेंगे। गांव से परे आपकी सोच फायदेमंद होती है। गांव से बाहर जाना एक महान अवसर जैसा है। तो एक ग्रामीण लड़के से बड़ा वैज्ञानिक बनने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात वैज्ञानिक बनने और देश के राष्ट्रपति बनने के लिहाज से ये एक बहुत बड़े काल्पनिक सपने जैसा हुआ। ये ऐसी चीज नहीं है जो इस तरह की जगह पर होती है, क्योंकि आमतौर पर जब व्यक्ति के पास आवश्यक पारिवारिक, शैक्षणिक और दूसरी तरह की पृष्ठभूमि न हो, वे आगे नहीं बढ़ते। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी नियमों को तोड़ दिया और बगैर किसी जान पहचान के, बिना किसी राजनीतिक समर्थन के, बिना किसी भी प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि के और बिना किसी भी तरह की जरूरी चालाकी और महत्वाकांक्षा के, वे आगे बढ़ते गए। बस उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें विभिन्न पदों पर पहुंचाया।